सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.1 की क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द लेटर कट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज टैंक। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पूछा गया है कि जो लेटर कट सरफेस एरिया है वो आपको बताना है, ओके और उसमें आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है 4.2 मीटर डायमीटर, इसके बाद आपको गिवन है हाइट 4.5 मीटर, हाइट भी आपको गिवन है। तो बच्चों, डायमीटर को हमने यहां पर शो कर दिया है, आप निकाल लेंगे रेडियस ऑफ दिस क्लोज टैंक, ओके आपको 2 से डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा 2.1 मीटर और एच का वैल्यू आपको गिवन है 4.5 मीटर। और देखिए, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं लेटरल कर्व सरफेस एरिया, ओके फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए 2π इंटू आर इंटू एच, ओके तो सिंपली आप यहां पर वैल्यूज को रख देंगे, ओके पाई का वैल्यू आप रखेंगे 22/7 और यहां पर r का वैल्यू आप रखेंगे 2.1 मीटर एंड हाइट का वैल्यू विच इज गिवन टू यू 4.5 मीटर। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके आप लिखेंगे 2 × 22/7, ओके ये आपका हो जाएगा 21/10, डेसिमल आप यहां पर हटा देंगे, ओके डेसिमल आप यहां पर भी हटा देंगे तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, ओके अब देखिए ये आपका 3 से जाएगा, ओके अब आपका ये 2 से और ये आपका 9 से जाएगा, ओके इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब यहां पर देखिए ये आपका 5 से जाएगा और ये आपका 11 से जाएगा, और भी कोई है आप देख सकते हैं यहां पर 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है अब देखिए आपके पास 11 × 3 × 9/5, ठीक है इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 59.4 मीटर स्क्वायर, ओके तो ये आपका हो जाएगा लेटरल कट सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज टैंक। तो बच्चों, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब आपसे पूछा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज टैंक, यानी कि आपको ये बताना है कि कितना जो स्टील है वो यूज किया गया है, ठीक है और जबकि 1/12 जो स्टील है वो आपका वेस्ट हो गया इस क्लोज टैंक को बनाने में, ठीक है तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है, ठीक है क्योंकि यहां पर बात हो रही है क्लोज टैंक की, तो इसका सिंपल सा मतलब है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज टैंक निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, ओके ऑफ सिलेंडर आप बोल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए 2πr r + h, ओके तो आप यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे 2 × 22/7, ओके r का वैल्यू आपको मालूम है 2.1 r + h, ओके 2.1 + 4.5, ओके तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पर 87.12 मीटर स्क्वायर, ओके सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज टैंक और यू कैन से सिलेंडर। अब बच्चों, बात करते हैं मुद्दे की, आपको यहां पर बताना है कितना स्टील जो है वो एक्चुअल में यूज हुआ है। तो आपको नहीं मालूम कि कितना स्टील यूज हुआ है तो आप उसको लेट कर लेंगे, ओके तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट एरिया ऑफ स्टील used x, ठीक है हमने मान लिया कि भाई आपका जो एरिया यूज हुआ है स्टील का वो है आपका x, ओके और वेस्टेड कितना होगा जो कि आपको गिवन है 1/12, यानी कि इसका 1/12, ओके तो आप करेंगे x/12, ओके बहुत सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, आपको x - x/12 करना है, क्यों
क्योंकि ये आपका यूज हुआ है और ये आपका वेस्ट हुआ है, तो इसको आप माइनस कर देंगे और जो आपका बचेगा, ठीक है, जितना आपका यूज हुआ है और जितना आपका वेस्ट हुआ है, अगर ये हम माइनस कर दें वेस्ट वाला, तो आपके पास क्या बचेगा? अरे टोटल सरफेस एरिया ही तो बचेगा, है ना। तो किसके बराबर होगा ये? इस टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही तो होगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहां पर, इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस x बाई 12 इज इक्वल टू 87.12। ओके, तो यहां पर आप x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ओके, ये मैंने यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके, यही आएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।